नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 5 से लेके 16 फरवरी तक की होगी। ये रीडिंग ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं एक्वेरियस। अभी एक सौम्य रूप होते हैं एक्वेरियस के और एक थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, जिनके भावनाएं ऐसे होते हैं कि माई वे इज द हाई वे। उनको खुद पर बहुत ज़्यादा गर्व होते हैं। वो वैसे भी एक्वेरियस जो है वो दिमाग से चलते हैं, वो अच्छे जॉब वगैरह भी करते हैं तो उनका एक अहंकार तो रहता ही है। चलिए देखते हैं एक्वेरियस आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, आप क्या सोच रहे हो, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, यही तो एक्वेरियस आपके पर्सन सोच रहा है कि अभी आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, आप अपना इमोशन नहीं दिखा रहे हो, आप अब खुद को कंट्रोल कर रहे हो, खुद की इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, उनको ऐसा क्यों लगता है कि आप चुप हो। एक्वेरियस आपके पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, आप चुप हो, आप कुछ नहीं बता रहे हो। तो देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करें। द सन का कार्ड, अच्छा वो इसलिए कार्ड आया है द सन का कार्ड, 6 ऑफ वंस का कार्ड, 5 ऑफ वंस का कार्ड। उनको इसलिए ऐसा लगता है, ये सारे कार्ड लियो के आए हैं। वैसे भी एयर साइन के साथ फायर साइन का मैच बहुत अच्छा होता है। एक्वेरियस अगर आप किसी फायर साइन के साथ हो, एरीज लियो सजिटेरियस के साथ, तो आपका ज़्यादातर अगर आपका पर्सन सजिटेरियस है तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई बात नहीं, मैं अभी कार्ड पढ़ लूँ पहले। द सन का कार्ड, 6 ऑफ वंस का कार्ड, 5 ऑफ वंस का कार्ड। उनको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि पहले जो आप थे उनके साथ जब आप रिश्ते में थे तो आपका जो एनर्जी था वो बहुत ही चाइल्डफुल एनर्जी था, बच्चों की जैसे आप बिहेव करते थे। देखिए लियो का कार्ड है और ये सारे कार्ड फायर साइन के हैं। उनको लगता है कि आप पहले जो एनर्जी था आपके बच्चों जैसी एनर्जी थी, लेकिन लड़ाई झगड़े के कारण हो सकता है आपके रिश्तों में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हुआ था, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। कोई एक्वेरियस जो होते हैं, मैंने पहले ही बताया, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर की होते हैं, तो उनके कारण लड़ाई झगड़े के कारण आप खुद को अभी संभाल रहे हो, आप अपने इमोशन हाइड कर रहे हो, ये उनको लगता है। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपने बच्चों की माता या पिता के रूप में देखना चाहते हैं, आपके साथ परिवार बनाना चाहते हैं। लेकिन उनको ये भी पता है कि किसी कारण पहले अगर आपके साथ उनका कोई मन मुताव झगड़ा कुछ हुआ था, उसी कारण से आप अभी खुद को संभाल रही हो, अपना इमोशन उनको नहीं दिखा रहे हो। तो ऐसा उनको लगता है कि आपकी जो पहले की एनर्जी है, बच्चों जैसी एनर्जी, वो अभी नहीं है। अभी आप खुद को मैच्योरिटी से हैंडल कर रहे हो और आप उनके तरफ बेहद अट्रैक्टेड हो, फिर भी आप उनसे कोई बात नहीं कर रहे हो। वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, वो भी आपसे रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप भी स्टेबल हो और एक्वेरियस आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो भी स्टेबल है, एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, सेल्फ सेंटर्ड है, जो जिनको हर कोई पसंद करता है। ऐसे आदमी के या औरत के साथ अगर आप हो फिर भी आप उनसे अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, क्योंकि
आप अपने एनर्जी को चेंज कर लिया है, आपने ऐसा उनको लगता है एक्वेरियस के पर्सन को। अभी देखते हैं एक्वेरियस की करेंट फीलिंग्स क्या है, एक्वेरियस क्या सोचते हैं उनके पर्सन के बारे में। ये तो एक्वेरियस की पर्सन सोच रहे हैं एक्वेरियस के बारे में। अभी एक्वेरियस के पर्सन क्या सोच, अभी एक्वेरियस क्या सोचते हैं। फाइव ऑफ कप्स, एक्वेरियस को लग रहा है कि आपके पास और भी सारा ऑप्शन है, आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या करना है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो। एक्वेरियस, आपको लगता है कि आपके पर्सन जो है थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि उनके पास और भी ऑप्शंस है इसीलिए वो कंफ्यूज है, ऐसा आपको लगता है। देखते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है। आपको इसलिए ऐसा लगता है, कार्ड आया है द हायरोफेंट का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, सेवन ऑफ कॉइंस का कार्ड, क्योंकि आपको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि वो इन दिनों थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा, वो गुरु या कोई अच्छे मेंटर या फिर किसी मंदिर मस्जिद में जाना शुरू किया है, वो अभी रुके हुए हैं, वो अभी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो अपना प्यार उनको नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि उनके पास उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन इन रिश्ते में वो कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, ऐसा आपको लगता है। एक्वेरियस, आप सोच रहे हो कि आपके जो पर्सन है वो स्पिरिचुअल पर्सन है, वो अभी किसी काम के रिजल्ट आने की वेट कर रहे हैं या फिर किसी काम में रुके हुए हैं, अभी वो रुका हुआ है, अभी वो जल्दबाजी नहीं कर रहा है, अभी वो अपना इमोशन नहीं दिखा रहा है क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। और आपको ये लगता है अगर आप उनके साथ रिश्ते में जाओ तो ये आपकी खुशनसीबी होगी क्योंकि आप उनको अपना प्यार या सोलमेट मानते हो एक्वेरियस, लेकिन आपको लगता है कि आपके जो पर्सन है वो कंफ्यूज है क्योंकि फिलहाल जो है वो अभी रिश्ते में सहयोग थोड़ा कम दे रहे हैं क्योंकि वो कंफ्यूज है। अभी देखते हैं एक्वेरियस की पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो चाहते हैं कि आप अपना इमोशन हाइट मत करो। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो चाहते हैं, एक्वेरियस की पर्सन चाहते हैं कि आप अपना इमोशन जो हाइट कर रहे हो वो हाइट ना करो। क्यों, ये क्यों आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, क्यों आया है एक्वेरियस के पर्सन को ऐसा क्यों लगता है, वो क्यों चाहते हैं कि आप अपना इमोशन हाइट ना करो। क्योंकि कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, उनको इसलिए ये लगता है कि आप अपना इमोशन हाइट कर रहे हो, वो चाहते हैं कि आप अपना इमोशन हाइट ना करो क्योंकि उनको लगता है फिलहाल आप अपने पर काम कर रहे हो। एक्वेरियस, आपके पर्सन को लगता है अभी आप अपने पर काम कर रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो आपकी तरफ, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या फिर आप उनको कोई ऐसी बात कर रहे हो उनके साथ कॉल में, टेक्स्ट में, मैसेज में आपने उनको ऐसा कोई जवाब दिया है कि वो परेशान है और वो चाहते हैं कि आप उनसे टेक्स्ट में, कॉल में, मैसेज में बात करो, उनको अपमानित ना करो, अपना इमोशन ना छुपाओ उनसे, और वो बातों में क्लैरिटी चाहते हैं, जो आप छुपा रहे हो उसको वो बाहर लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं, आपकी पर्सन चाहते हैं कि आप अपना इमोशन बाहर लेके आए, आप अपना इमोशन हाइट ना करें, आप उनसे बात करें, कॉल करें, टेक्स्ट करें, मैसेज करें, आप बातों की क्लैरिटी लाए, अपने आप पर आप काम कर रहे हो, ये सही है, अच्छा है, आप खुद को स्टेबल बना रहे हो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो चाहते हैं कि आप उनसे
बात करो। एक्यूरियस आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, अपना इमोशन हाइड ना करो। अब देखते हैं एक्यूरियस आप क्या चाहते हो। प्लीज़ यूनिवर्स, देखते हैं एक्यूरियस आप खुद क्या चाहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप चाहते हो, आप भी एक अच्छे तरह से रिश्ते को निभाना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो आपके साथ बात करे, वो अपना जो पावर है उसका इस्तेमाल करे, लेकिन खुद को इस तरह से जकड़ के ना रखे। आप भी बात करना चाहते हो उनके साथ, आप भी वेट कर रहे हो, आप भी चाहते हो कि वो अपना इमोशन दिखाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? आपको पता है कि वो एक्वेरियस, आपको पता है कि आपके जो पर्सन है वो पैसों पे ध्यान ज़्यादा देते हैं, वो अपने अंदर रहना पसंद कर रहे हैं इन दिनों। तो आपको ऐसा क्यों लगता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप क्यों चाहते हो कि वो इस रिश्ते पे काम करे? क्योंकि कार्ड आया है एट ऑफ कॉइंस का कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, द हर्मेट का कार्ड। आप लोगों का जो रिश्ता है ये बहुत पुराना रिश्ता है। आप लोग ओल्ड सोल हो, पहले से पहचान है आप लोगों की। इसीलिए एक्वेरियस जो है वो चाहते हैं कि उनकी पर्सन इस रिश्ते पे काम करे और रिश्ते की जो क्लैरिटी है, जो सच्चाई है, उसको बाहर लाए। क्योंकि उनको पता है रिश्ते की क्लैरिटी क्या है, रिश्ते में क्या सही है क्या गलत है, सब उनको पता है। इसीलिए एक्वेरियस इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनका जो रिश्ता जो रुका हुआ है, जो कहीं नहीं जा रहा है, जो जैसे ज्यों के त्यों परे हैं, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में काम किया जाए। वो काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि अभी उनके पास इस रिश्ते की क्लैरिटी है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये रिश्ता बहुत ही पुराना रिश्ता है, तो आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। आपका रिश्ता कोई नया रिश्ता नहीं है, इसीलिए रिश्ते में जो कुछ परेशानी था, आप उस रिश्ते से बाहर निकल के एक्वेरियस उस परेशानी को अपने अंदर से बाहर निकालना चाहते हो। आप चाहते हो इस रिश्ते में काम करना, आप चाहते हो उनके साथ परिवार बनाना। आप जो इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे थे, या फिर वो आपके जो पर्सन है अगर वो दुखी थे इस रिश्ते से, परेशान थे, तो आप चाहते हो कि रिश्ते में फिर से नई शुरुआत हो, क्योंकि आपके पास अभी रिश्ते की क्लैरिटी है, पहले जो आपके पास नहीं था। अभी आपको पता चल गया है कि आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो बहुत ही अच्छे पर्सन है, वो पैसों को संभालना जानते हैं, रिश्ते को संभालना जानते हैं, घर संभालना जानते हैं। अगर आप उनके और आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, आप चाहते हो कि उनके साथ रिश्ता फिर से शुरू हो जाए, चाहे इसके लिए आपको इस रिश्ते में मेहनत करना पड़े, आप करोगे, लेकिन रिश्ते को आप फिर से शुरू करना चाहते हो। अब देखते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या रहेगी, कि क्या ये रिश्ता फिर से शुरू होगा इन दिनों। 5 से लेके 16 फरवरी की ये जो वक्त है, इनमें क्या आप लोगों की रिश्ता फिर से शुरू होगी? मुझे नहीं लगता है रिश्ता शुरू होगा, होने वाला तो होना तो चाहिए, लेकिन कोई एक है जो रिश्ते में पुरानी बातों को पकड़ के बैठा हुआ है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ पैसों को लेके परेशान है, पैसों को सेविंग्स करने में लगा हुआ है, पैसों को बचा रहा है, पैसों में अपनी मेहनत कर रहा है, पैसों पर काम कर रहा है, पैसों को बैलेंस करना चाहते हैं, पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। उनकी मन की अंदर कोई बात उनको है जो उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। तो फिलहाल इस रिश्ते की आउटकम मुझे कुछ ऐसा सही नहीं दिखाई दे रहा है कि जल्दी जल्दी रिश्ते में कोई बातचीत शुरू होगी। फिर भी देखते हैं 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड क्यों आया है, क्यों वो कोई बात को पकड़ के बैठे हुए हो एक्यूरियस,
आप दोनों में से कोई तो एक ऐसा है जो पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे हुआ है, या फिर पैसों के पीछे भाग रहा है। अच्छा, इसलिए मैंने अभी, मुझे लगा कि रिश्ते में बहुत जल्द कुछ शुरू नहीं क्यों होगा। द एम्परर का कार्ड आया है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है आप दोनों में से किसी के पास और भी ऑप्शन है जिसके कारण आप दुखी हो। दोनों में से कोई एक है जिसके पास और भी ऑप्शन है, वो उसी ऑप्शन की तरफ देख रहा है। हालांकि आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एक्वेरियस, फिर भी वो उसी ऑप्शन की तरफ देख रहा है। ये एक्वेरियस आप खुद भी कर सकते हो, या फिर आपके पर्सन भी हो सकता है कि आपके पास और भी ऑप्शन है। आपका दिल टूटा हुआ है, आप परेशान हो, आप दोनों में से कोई दुखी हो। कोई एक है जो दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं इस रिश्ते में, किसी एक का एक कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है। हो सकता है आप जो डिसीजन आपने लिया है या फिर लेने वाले हो, इससे किसी को दुख हो सकता है, परेशान हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक दुखी हो सकते हो, किसी का दिल टूट सकता है, क्योंकि आप जो पुराने पैटर्न जो था आपका सोचने का वही रख दिया है। आप पैसों के पीछे भाग रहे हो, आपके पास और भी रिश्ते हैं उनके बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हो कि आपके पास दोनों ही रिश्ता हो, इसीलिए आप दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि आपके पास जो पुराना रिश्ता है आप उसको भी चाहते हो, और जो नए हैं या फिर कोई नया रिश्ता आपके पास आया है तो आप उसे भी पसंद कर रहे हो। इसीलिए आप पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हो, आप पुरानी बातों को पकड़ के बैठे हुए हो, आप उससे निकल नहीं रहे हो। तो इस रिश्ते की आउटकम मुझे ये बोलना पड़ेगा कि बहुत जल्दी इस रिश्ते में कोई समाधान तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आपको इस रिश्ते में काम करना चाहिए। एक्वेरियस, आप काम करना चाहते हो रिश्ते में, आप को लगता है कि वो कॉन्फ्यूज है। सच में ही वो कॉन्फ्यूज है, उनके पास ऑप्शन है, लेकिन जितना जल्दी आप चाहते हो उतनी जल्दी रिश्ते में कोई भी परिवर्तन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जो उनके पास है वो उनको नहीं देख रहे हैं, जो उनके पास नहीं है वो उसकी तरफ देख रहे हैं, उनका नज़र कहीं किसी और पे है। इसके कारण आप दुखी हो। मुझे लगता है उनके पास और भी ऑप्शन है, या फिर एक्वेरियस आपके पास और भी ऑप्शन है। आप दोनों के पास ऑप्शन हो सकते हैं, जिसके कारण आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हुए भी एक दूसरे के साथ रिश्ते में नहीं आ पा रहे हो। क्योंकि आप दोनों में से ऐसा तो कोई एक ज़रूर होगा जिनके पास ऑप्शन है, वो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या कहना चाहते हैं। ये सही नहीं है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप पुराने चीज़ों को छोड़ दीजिए, और नहीं तो नए की तरफ मत जाइए। जिसके साथ आपका दिल लगता है उसकी तरफ जाइए। ऑप्शन क्या बताएं, अभी आपकी मर्जी है। अब देखते हैं यूनिवर्स जी क्या बताते हैं। एक्वेरियस तो दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं ना। यूनिवर्स जी कार्ड भी देखिए वैसा ही आया है। कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक में देखिए आया है लवर्स का कार्ड, डिसीजन लेने की कार्ड। आपको डिसीजन लेना चाहिए। यूनिवर्स जी आपसे बोल रहे हैं, कार्ड आया है सिक्स ऑफ कॉइन्स का कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, टेन ऑफ कप्स का कार्ड। आपको इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। इस रिश्ते में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, जिसमें आपकी परिवार आपका साथ दे। अगर आपको अपनी परिवार बनाने के लिए किसी और की मदद लेनी पड़े तो ज़रूर लीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत से अपने आप को स्टेबल बनाइए, और आप देखिए कहाँ आपको ज़्यादा ज़रूरत है, किस रिश्ते में आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। रिश्ते में अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा तो कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा। अगर कोई एक बहुत ज़्यादा काम कर रहा है रिश्ते में
और कोई जरा भी एफर्ट नहीं डाल रहा है, बैठा हुआ है, तो वो रिश्ता कभी नहीं चल सकता, क्योंकि रिश्ते में दोनों को ही इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। अगर आप में से कोई एक एक्वेरियस हो या फिर आपका पर्सन जो अपने इमोशन को हाइड कर रहे हैं, जो रिश्ते में काम नहीं करना चाहते हैं, जिनके पास और भी ऑप्शन है फिर भी इस रिश्ते में लटका हुआ है, तो उनको एक डिसीजन लेना चाहिए कि उनको क्या चाहिए। अगर आप सही तरह से डिसीजन लेते हो तो आपके साथ आपके परिवार भी आपके साथ रहेंगे, और हमेशा आपको अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, परिवार को साथ लेके चलना चाहिए, परिवार की मदद लेनी चाहिए। अगर आप अकेले कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो परिवार के बारे में सोचिए, उनके मदद लीजिए, उनसे बात कीजिए, लेकिन कोई डिसीजन ज़रूर लीजिए, ऐसे किसी को लटका के मत रखिए। अगर आप रिश्ते में हो फिर भी और एक रिश्ते में जाना चाहते हो तो ये गलत है, ये मत कीजिए। रिश्ते को लेके आप एक सही डिसीजन लीजिए, खुद भी शांत रहिए, परेशान मत होइए, दूसरों को भी परेशान मत कीजिए, परिवार के बारे में सोचिए, परिवार को क्या अच्छा लगता है, ज़्यादा वक्त आप परिवार के साथ बिताइए, अच्छा वक्त बिताइए, इक्वल गिव एंड टेक। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो रिश्ते से बाहर जा सकते हो। अगर आपको देना है किसी को ये इक्वलिटी, अगर आप किसी को वक्त पैसा कुछ नहीं दे रहे हो तो उसको दीजिए। परिवार है अगर आपके, उनके साथ आपके जिनके साथ परिवार है आप उसके तरफ देखिए। अगर आप परिवार के अलावा और किसी रिश्ते में जाना चाहते हो तो ये सही नहीं है, क्योंकि आखिर में हमारे परिवार ही हमारे साथ वो होते हैं, तो परिवार के साथ रहिए। आपने जो कुछ भी कमाया है, बहुत मेहनत से कमाया है, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, फिर भी आप अगर अपने परिवार को अहमियत नहीं दे रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। आप इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, जो जहाँ से आपको सच्चा प्यार मिल रहा है आप उसकी तरफ देखिए और एक सही डिसीजन लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।